हेलो साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। आज बाइक के किस्त से संबंधित ये दूसरा भाग है। पहले भाग को आप लोगों ने देखा, बहुत पसंद किए और कुछ कमेंट भी आए। कमेंट ये आया कि सर हम कैसे ये जान पाए कि कितने परसेंट ब्याज लग रहा है, क्योंकि आपने तो ये बताया कि जब इतने परसेंट ब्याज लगे तो किस तरह से किस्त बंधती है, लेकिन जब किस्त बंधी हुई है तो हम कैसे जाने कि कितने परसेंट का ब्याज लग रहा है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। तो बहुत छोटा वीडियो है, पूरा देखिएगा, पूरी बात आप अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही सरल लहजे में आपको समझाऊंगा। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, पूरी बात उसी उदाहरण से समझ जाएंगे हम। जैसे मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपए का लोन करवाया है, यही 1 लाख रुपए आपको जमा करना है, और समय मान लीजिए है आपका 24 महीना, समय 2 वर्ष या 24 माह, ठीक है। और जो किस्त का रेट है महीने में, किस्त है 5,000 रुपये प्रति माह। तीन चीजें आपने नोट किया, 1 लाख रुपए का लोन है, समय 24 महीने या 2 वर्ष, इतने में आपको जमा करना है और हर महीने आपको जमा करना है 5,000 रुपए। तो अब ये जानना चाहते हैं कि हमारा इसमें कितना परसेंट ब्याज लग रहा है। तो ब्याज परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आप कितना लिए थे और फिर कितना टोटल जमा कर रहे हैं। तो पहले क्या निकालेंगे, पूरा मिश्र धन। पूरा मिश्र धन, पूरा मिश्र धन का मतलब क्या होता है कि जिसमें ब्याज भी जुड़ा होता है और मूलधन भी जुड़ा होता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जो किस्त है इसका फार्मूला होता है किस्त गुणित माह। किस्त गुणित माह, किस्त है 5,000 रुपए की और महीना है 24, तो कितना हो जाएगा, 24 पंचे 120, यानी कि 1,20,000 रुपए। अब समझिए ध्यान से, आपने 1 लाख रुपए का लोन करवाया, 5,000 रुपए प्रति महीने किस्त जमा करते करते आपने ये देखा कि 24 महीने में हमने 1,20,000 रुपए जमा किया। इसका मतलब कितना ज्यादा जमा किया, तो जितना भी ज्यादा जमा किया वही ज्यादा धन आपका क्या है, ब्याज। तो 1,20,000 में से आप 1 लाख रुपए घटा दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, तो कितना आएगा, 20,000 रुपए। यानी आपने 20,000 रुपए 2 वर्ष में ब्याज जमा किया। अब आप ये जानना चाहते हैं कि कितना परसेंट ब्याज हुआ, यानी किस रेट से ये कंपनी हमसे ब्याज ले रही थी। तो अब आप क्या करेंगे, देखिए सबसे सरल तरीका ब्याज की दर निकालने का, ब्याज दर निकालने का सबसे सरल तरीका है कि आप ब्याज को अंश के रूप में ऊपर लिख दीजिए और नीचे लिख दीजिए हर के रूप में मूलधन, और फिर 100 से गुणा कर दीजिए। ये निकल जाएगा पूरा ब्याज दर, जितना भी समय है उस पूरे समय का ब्याज कितना आपका आया है, 20,000 रुपए। तो ब्याज के स्थान पे आपने लिख दिया 20,000। मूलधन कितना है आपका, मूलधन का मतलब जो आपने कर्जा लिया था वो है 1 लाख रुपए और आप 100 से कर दीजिए गुणा। तो 1, 2, 1, 2 ये कट गया, 1, 2, 1, 2 ये सीधा सीधा आ गया 20%। और ये जो 20% है ये कितने समय में आया है, ये आया है 2 वर्ष के लिए, 20% प्रति 2 वर्ष, यानी कि हर 2 वर्ष में या हर 24 महीने में 20% का ब्याज लग रहा है। ये बात तो क्लियर हो गई। क्या बात क्लियर हुई, कि हमने जो 1 लाख रुपए का लोन लिया था, हमने 2 वर्ष में 1,20,000 रुपए जमा किया, तो हमारा टोटल 2 वर्ष का ब्याज 20% आया। अब आप ये जानना चाहते हैं कि ये 1 वर्ष का कितना परसेंट ब्याज हुआ। तो 1 वर्ष के लिए
कुछ नहीं करना है, बस 20 में 2 का भाग दे दो, क्योंकि 2 वर्ष का ये है, तो 20 में 2 का भाग दिए तो क्या हो गया 10% वार्षिक। इसका मतलब एक वर्ष का कितना ब्याज लग रहा है 10%। और अगर आप ये भी निकालना चाहते हैं कि एक महीने का कितना लग रहा है, तो आप इसी 10 में 12 का भाग कर दीजिए, क्योंकि एक वर्ष का 10% और एक वर्ष में 12 महीना होता है, तो 10 में 12 का हमने भाग कर दिया। तो जब 10 में 12 का हमने भाग किया तो ये सीधा सीधा आ गया 0.8333। दो अंकों तक ठीक है, लेकिन आप चार अंकों तक कर सकते हैं, प्रतिशत मासिक। मतलब 1% से थोड़ा कम लग रहा है महीने का ब्याज, 0.8333, यानी 83 या फिर लगभग 84 पैसा कह सकते हैं, 84 पैसा प्रति 100 रुपए पर आपका ब्याज हर महीने में लग रहा है, वर्ष में 10% और 2 वर्ष में 20%। तो ये जो मैंने तरीका बताया, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो मैंने आपको तरीका बताया, ये किसी भी प्रकार का लोन आप लेते हैं, कहीं से भी बाइक का फाइनेंस करवाते हैं या पर्सनल दुकान के लिए लोन लेते हैं, किसी भी के लिए लोन लेते हैं, आपको ब्याज का परसेंट ऐसे ही निकालना है। पहले आप किस्त देखिए कितनी जमा हो रही है महीने में और कितना महीने जमा करना है, तो उसका उस महीने में गुणा कर देंगे तो पूरा मिश्र धन आ जाएगा कि टोटल आप कितना जमा किए, और उस मिश्र धन में जो लोन है उसको घटा देंगे तो जो एक्स्ट्रा आया वो ब्याज है। अब उसी ब्याज को ऊपर लिख दो और मूलधन नीचे लिखकर 100 का गुणा कर दो, जो भी आएगा वो क्या होगा पूरे समय का परसेंट। अब उसके हिसाब से एक वर्ष का भी निकाल लीजिए। उदाहरण के लिए अगर ये 3 वर्ष के लिए होता तो हम यहाँ 36 का गुणा करते, फिर जो आता, फिर यहाँ चूंकि 3 वर्ष का है तो यहाँ प्रति 3 वर्ष लिखा जाता, और 1 वर्ष के लिए यहाँ पर हम 3 का भाग देते तो 1 वर्ष का निकलता, फिर 12 का भाग देते तो 1 माह का निकलता। तो इस तरह से ब्याज निकाला जाता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से ब्याज का परसेंट निकाल पाएंगे। अब आपको अगले वीडियो में ये सिखाएंगे कि कंपनियां किस तरह से किस्त का निर्धारण करती हैं। ये थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, तो इसको मैं विस्तार से, इस पर थोड़ा वीडियो बड़ा रहेगा, तो इसको मैं अगले वीडियो में आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। तो अगर अब भी कोई प्रश्न मन में है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको अगले वीडियो में जो इसमें कुछ छूटा है या जो बात नहीं समझ में आई है वो अगले वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।